नेटा में अखिल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल संघर्षी के द्वारा देश के किसानों के प्रति केंद्र सरकार के नजरिए को लेकर आ गए और केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि जब देश में मक्का और दूध का उत्पादन अधिक हो रहा है तो विदेश से आयातित मक्का के बजाय किसानों की फसल खरीदे, जिससे देश के किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिल सके। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव तेज सिंह वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष बबलेश यादव, नीतू यादव एवं अन्य किसान यूनियन के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अध्यक्ष जी, अभी टिड्डी दल का एक आगमन हुआ है और भारतीय किसान यूनियन है, वो क्या रणनीति अपनाने जा रही है? अखिल भारतीय किसान यूनियन के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे? दरअसल में टिड्डी दल का आक्रमण से पूरे देश का किसान दबा है, पर उत्तर प्रदेश की हालत बहुत ख़राब है। सरकार की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किया गया, सरकार ने एक रटा रटाया तकिया कलाम कर रहा है कि अगर कोरोना आ रहा है तो ताली थाली बजा, टिड्डी दल आ रहा है तो ताली थाली बजा। भाई, अगर सारे काम ताली थाली से ही हो जाएंगे तो सरकार का ये जो तंत्र है वो क्या करेगा? आवश्यकता ये है कि तमाम हिंदुस्तान में हेलीकॉप्टर खड़े हैं ठलुआ, इनके द्वारा दवाओं का छिड़काव कराया जाए, प्रशासनिक मशीनरी को उस पर लगाया जाए, उसकी रोकथाम की व्यवस्था की जाए। उसको न करके केवल टीवी, अखबार, चैनल से घोषणा कर दो कि ताली थाली बजाओ, अपना अपने आप काम कराओ, अपने आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, अपने आप अपनी व्यवस्थाओं को देखो, पर भाई सरकार क्या करेगी? सरकार हमसे टैक्स क्यों लेती है? कई सवाल ऐसे हैं इस देश में। आज किसान की मक्का 1100 रुपये क्विंटल में लूटी जा रही है, सरकार विदेशों से मक्का थोक के भाव में मंगा रही है। अगर आपको मक्का की ज़रूरत है तो हिंदुस्तान के किसान के पास पर्याप्त तो मक्का है, आप उसे क्यों नहीं खरीद लेते हैं? चूँकि उनका मन ये नहीं है कि हिंदुस्तान के किसान, गरीब मजदूर को पैसा दिया जाए, जो पैसे में बड़ी मात्रा में मक्का जो विदेश से खरीदी जाएगी, बड़े स्तर पर उसमें दलाली बनाने की व्यवस्थाएं होंगी, बड़े स्तर के मंत्री संतरी उसमें इन्वॉल्व होंगे, देश का पैसा वहां लुटाया जाएगा, और जब पर्याप्त मात्रा में माल बाहर से खरीद लिया जाएगा तो यहां के किसान मजदूर का जो आज मक्का बिक भी रही 1100 रुपये प्रति क्विंटल में, वही यहाँ व्यापारी 8-6 हज़ार रुपये में फिर लूटेंगे। एक तो ये रहा। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हिंदुस्तान की हालत इतनी ख़राब है, पाकिस्तान अलग आंखें दिखाता है, नेपाल अलग आंखें दिखाता है, चीन की व्यवस्थाएं अलग हैं। चीन हिंदुस्तान के मैप को समेट रहा है, वो 60 किलोमीटर अंदर चला आता है और हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री उसके ऐप को समेट रहे हैं। भाई, हिंदुस्तान के मैप और ऐप से क्या लेना देना है? जहाँ किसान गरीब मजदूरों की जमीन चीन हथिया रहा है, वो कब्जा कर रहा है किलोमीटर के हिसाब से, वो सरकार कह रही है कि आप हमारा मैप खत्म कर दो, हम आपके ऐप खत्म कर दे रहे हैं। भाई, ऐप की वजह से क्या मैप मिल गया? हिंदुस्तान का जो नक्शा था वो ठीक हो गया, दुरुस्त हो गया? वो जो कभी जमीन उस कमीन चीन ने कब्जाई थी, वो कब्जा मिल गया क्या हिंदुस्तान को? हिंदुस्तान के किसानों की उस जमीन पर अधिकार हो गया? हिंदुस्तान की सरहद सुरक्षित हो गई? इन सब बातों का क्या मतलब है? भाई, आपको काम करना चाहिए पूरे तन मन। हिंदुस्तान के किसान ने लाखों नौजवान हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर भेजे हैं। अगर आज भी ज़रूरत है तो हिंदुस्तान का किसान लाखों करोड़ों नौजवानों को निछार करने के लिए तैयार है, लेकिन देश की सरकार केवल भाषणों से चलना चाहती है, केवल भाषणों से काम करना चाहती है। भाषणों से कुछ होने वाला नहीं है, हमें ज़रूरत है कि हमारी रक्षा सुरक्षा करिए, हमारी आंतरिक व्यवस्थाओं को ठीक करिए। जब लोग सवाल करते हैं देश की सरहद की सुरक्षा का, लोग सवाल करते हैं देश के नौजवान का, देश के किसान का, देश की बेरोजगारी का, और देश की सरकार सवाल करती है इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का, मनमोहन सिंह का, बीपी सिंह का, कि इन्होंने क्या किया? अटल बिहारी वाजपेयी को भी समेट लेते हैं, ये तो ये कहते हैं कि 70 साल में देश जिन्होंने लूटा है वो जाने। भाई, सरकार आज आप चला रहे हो, आपका बस नहीं है, आपको सारे प्रश्न अगर कांग्रेस से ही करने हैं तो मनमोहन सिंह को चार्ज दे दो, वो बेचारे अपने आप चलाएंगे उस सरकार को, फिर आप उनसे पूछ रहे हो आप क्या कर रहे हो, वो तो पैदल है हमारी तरह। भाई, एक सांसद ही तो है देश के, उनके हाथ में क्या है? उनके कहने से होमगार्ड कहीं नहीं जाएगा। जरूरत है कि प्रबल इच्छा शक्ति के साथ चीन को, नेपाल को, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और जो आंतरिक व्यवस्था है उनको ठीक किया जाए। विदेशों से सस्ता दूध मंगाया जा रहा है, यहाँ का किसान तो बर्बाद हो जाएगा। भाई,
और इस संबंध में कोई किसान यूनियन के द्वारा कोई रणनीति तैयार की गई है सरकार से कोई? अभी हम लोग चिंतन मंथन कर रहे हैं, प्रदेश की अन्य प्रदेशों की भी कमेटियां हैं, उनमें भी चिंतन मंथन चल रहा है ऑनलाइन। हम सारे लोग रिजोर्ट करने के बाद अब शीघ्र देशव्यापी बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। हम लोगों का जो गठबंधन है अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, जिसके राष्ट्रीय संयोजक सरदार बी एम सिंह जी हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हम हैं, हम लोग भी कहीं ना कहीं आपस में वार्ता कर रहे हैं। बहुत जल्दी एक व्यापक आंदोलन का, व्यापक मूवमेंट का असर आप पूरे देश में दिखाई देगा। एटा से केके न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट।